कुछ इस तरीके से देखो, बैग का इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, हल्का वल्का मूवमेंट। तो इस तरीके से कुछ पाउच मिल जाता है, एंड ये वाला जो है इसमें आप लोग कुछ भी सामान रख सकते, एंड जो ये दोनों बैग है ना ये पेयर में आता है। तो अभी देखो जो आप लोगों को जो येलो कलर का जो पाउच है अंदर का जो मिला था, अभी इस तरीके से यहाँ पे पड़ गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, एंड आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैंने आप लोगों को दिखाने की क्रैश बार बैग कैसे इंस्टॉल होता है। तो अभी मैंने डॉट सैक का जो क्रैश बार बैग है वो मैंने परचेज़ किया है अमेजोन से, तो उसका इंस्टॉलेशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो आज फाइनली जाके टाइम मिला है, उसका वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा कि डॉट सैक का जो मैंने क्रैश बार बैग लिया कैसे इंस्टॉल करना है। तो अभी देखो, आप लोगों को पता है कि मैंने वंडरलिश का जो क्रैश बार है वो लगवाया था, तो इसका देखो स्टर्डी काफ़ी है। अभी फाइनली जो है मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ जो क्रैश बार बैग है। अभी थोड़ा सा लाइट कम हो रहा है तो उधर वाली साइड से वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। डॉट सैक का क्रैश बार बैग है, वो मैंने अमेजोन से मंगाया था, और इसको अभी खोल लेते हैं। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लगता है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एक लॉन्ग राइड का प्लान बन रहा है, वो राइड का लोकेशन आप लोगों को थोड़ा टाइम में मैं स्टोरीज़ में शेयर करूंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। बट एनीवेज, जो क्वालिटी है ना इसका बैग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड मेरे को काफ़ी रग्ड लगा, मतलब यूज़ करने में अगर बाइक गिर भी जाती ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बिल्कुल पास में से देखोगे तो आप लोग कितना हैवी मटेरियल से बना हुआ है। एंड प्लस आप लोगों को ये खोल के दिखा देता हूँ मैं, तो खोलोगे अगर इसको बैग को तो फिर एक तो ये पॉलीथीन इसको हटा देता हूँ मैं, तो इस तरीके से कुछ पाउच मिल जाता है, एंड ये वाला जो है इसमें आप लोग कुछ भी सामान रख सकते हो, देन उसके बाद में अगेन ये वाला जो बैग है इसमें डाल सकते हो। अब मेरा पर्पज़ ये था कि मैं फ्यूल कैंस नहीं खरीदना चाह रहा था जो रीयूजेबल वाले आते हैं, और इसमें मेरे को साइज़ के हिसाब से पता लगा कि इसमें 5 लीटर्स का कैन ईजिली आ सकता है इसको एडजस्ट करने के बाद में, तो इसलिए मैंने बाई किए हैं। एंड डिस्पोजेबल जो कैंस है वो रहेगा वहाँ पे, राइड करके हम लोग वहीं पे डिस्पोज कर देंगे। अब आप लोगों को इतना बता दिया तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी इसको यहाँ पर क्विकली इंस्टॉल करके दिखा दूँगा आप लोगों को कैसा है, और बाकी देखेंगे कहीं पे थोड़े अगले वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें सामान रखता हूँ, आप लोगों को वो भी पता लग जाएगा। अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो। एंड जो ये दोनों बैग है ना ये पेयर में आता है, जो अगर आप बाई करते हो, एंड इसका प्राइस आपको बता दूँ, प्राइस है इसका 3600 अमेज़ोन पे। तो ये दोनों जो बैग हैं 36 का जो दोनों बैग है 3600 रुपीज़ का पेयर आता है, तो ये आप लोग बाई कर सकते हो। ये वाला है इसका मॉडल, डर्ट सैक फ्रॉगमैन CS ADV बार बैग, तो 1 पेयर येलो, तो ये ऐसे रहता है। तो पेयर मतलब आप लोगों को ये दो बैग आ जाएगा, एंड प्लस इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप रहती है, तो आप लोग कुछ भी सामान अगर बड़ा भी होता है तो इसको एडजस्ट करके आराम से इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो। तो अभी देखो ये जो दोनों हैं स्ट्रैप्स, जो इनके बकल्स हैं इनको ओपन कर देते हैं यहाँ पे, और दोनों तरफ से ओपन करना है यहाँ पे, और ये जो है दोनों स्ट्रैप्स जो हैं यहाँ से अलग हो जाएगा। अभी इसको यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला जो है नीचे वाला पार्ट जो है इधर से इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ से निकलने के बाद में अब आप लोगों को क्या है, थोड़ा इस साइड में आ जाओ। हाँ जी, तो ये देखो पहला वाला बैग जो है इस तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अभी सीन इसका कुछ ऐसा है कि आप लोगों को ये जो ऊपर वाला मैंने जो बकल्स निकाले थे, इसको यहाँ पे क्रैश बार जो है आप लोगों का पाइप इसके ऊपर साइड से निकालना है, और यहाँ से आप लोगों को क्रॉस करते हुए इसको इस पर स्ट्रैप कर देना है, देन सेम चीज़ जो है दूसरी वाली साइड से निकाल के इसको यहाँ पर स्ट्रैच कर देना, सेम चीज़ जो है इधर वाली निकाल के इसको यहाँ पर राइट साइड में स्ट्रैप करना है। और जो आप लोगों का जो नीचे रहेगा, नीचे दिखा देता हूँ, नीचे वाला पाइप से ये आप लोगों को एक और होल्ड मिल जाएगा यहाँ पे, एंड जो फोर्थ वाला स्ट्रैप है वो इधर साइड से आप लोगों को इस तरीके से राइट वाली साइड में होल्ड मिल जाएगा। तो अभी कुछ इस तरीके से देखो, बैग का इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, हल्का वल्का मूवमेंट रहेगा, बट ये सॉफ्ट लगेज है तो ईजी रहता है, एंड बिल्कुल ज़्यादा तो मतलब ऐसे टाइटली तो बन नहीं सकता है इसको। अगर कुछ सामान रखेंगे, अभी तो खाली है, अगर थोड़ा सामान रखेंगे थोड़ा सा वेट आएगा यहाँ पे, तो ईज़िली आप लोगों का जो है सामान बन जाएगा। तो इस तरीके से है कुछ इंस्टॉलेशन, दूसरी वाली साइड में भी आप लोगों को इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ मैं।
तो अभी देखो जो आप लोगों को जो येलो कलर का जो पाउच है अंदर का जो मिला था, अभी इस तरीके से यहाँ पे पड़ गया है। और इसको थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करके देन इसको दोनों साइड में बकल से इसको टाइट कर देंगे, तो जो भी है सामान, ये पाउच वाला जो भी सामान है वो हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे टाइट कर सकते हो। और एक जो पीछे से है वो स्ट्रैप आ जाता है, वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको बकल कर देना। तो देखो अभी इस तरीके से कुछ लग रहा है, इसको थोड़ा और टाइट कर देता हूँ मैं। तो ये देखो ये जो येलो वाला पाउच है इसको साइड में रख देते हैं। अभी आप लोगों को दूसरे वाले क्रैश बार में को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये जो बकल है इसको दोनों को खोल लेना है दोनों साइड से, और सेम चीज़ नीचे वाले में भी। तो ये वाला जो बकल है ये यहाँ से इस तरीके से आएगा, एंड जो दूसरा वाला है इधर साइड से आएगा। मतलब पास में नहीं लगा आवाज़ नहीं आएगी। तो ये वाला इस तरीके से आ जाएगा, एंड इसको अभी यहाँ से क्रॉस करके, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है, क्विक इंस्टॉलेशन है। अगर आप लोगों को बाइक वाइक भी वॉश करानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको निकाल सकते हो। ये देखो ये यहाँ पे बकल हो गया, एंड जो दूसरा वाला है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और इसको भी दूसरी वाली साइड का जो स्लॉट है यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे बकल कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों साइड से ऊपर की तरफ से होल्ड मिल गया इसको। अब जो सेकंड बारी है, अब जो सेकंड बारी है वो इधर साइड की है, इसको भी नीचे से यहाँ से निकालेंगे। इस साइड का लग गया, और देन ये वाला साइड का जो है ये यहाँ पे इस तरीके से लग गया। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्पेस कितना है। अगर मैं ये चीज़ खोल देता हूँ ना तो आप लोगों का इजीली जो है 3 to 5 लीटर का कैन इजीली आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेस इनफ है। और ये देखो नीचे से भी है तो इसमें वाइड होने का भी चांसेस है। और ये देखो कितना जगह है। तो मेन चीज़ अच्छी ये है कि आप लोगों को येलो वाला जो पाउच दिया हुआ है वो अलग से बाहर निकल जाता है। तो एक चीज़ एडवांटेज ये है कि आप लोग इसको बकल को खोल के इसको लूज़ कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास में ज़्यादा भी सामान अगर कैरी कर रहे हो। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इसमें जो है चेन ल्यूब और बाकी सब डाल सकते हो। मेरा पर्पस ये था बाई करने का कि यहाँ पे इसमें मैं फ्यूल कैन रखूँगा, एंड मेरे को फ्यूल कैन जो था डिस्पोजेबल वाला लेना था, एंड जो रीयूजेबल वाला है वो नहीं लेना। इस ये रीज़न की वजह से मैंने ये वाला बाई किया। अभी देखते हैं, इसको टेस्टिंग करके देखेंगे, एक लोकल जगह से फ्यूल कैन मैं बाई करके देखूँगा, अगर वो सही आता है तो देन इट इज़ गुड। और पास में तो ये देखो ये वाला जो पाउच है यहाँ पे ऐसे चला गया, इसको यहाँ पे फोल्ड देके, या तो आप दो बार भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दो बार फोल्ड देके इसको इधर से ये वाला जो बकल आ रहा है इसको यहाँ पे स्ट्रैप कर दोगे। अब मेरे को थोड़ा सा डर्ट सैक का ब्रांडिंग दिखाना है तो इसको यहाँ पे वैसे पुश करके आप इस तरीके से यहाँ पे बंद कर सकते हो। एंड सेम चीज़ दूसरी वाली साइड में भी हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे, एंड जो आप लोगों का ऊपर वाला जो स्ट्रैप है वो इस तरीके से आ जाएगा। और इसको आप जिस भी लगेज के हिसाब से एडजस्ट करके इसको बाद में टाइट कर सकते हो। बस जो इस बैग के बारे में बात की जाए तो इस बैग की एक चीज ड्रॉबैक मेरे को ये लगी, एक तो ये जो बैग है क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है इस बैग के साथ में, तो आपको रिमूव करने का ऑप्शन तो है जो कि एक फायदा देता है अगर आपने कुछ और भी सामान कैरी करना है। बट उसी के साथ में ना ये रबड़ का क्वालिटी है, तो जैसा कि हर वेदर में आप बाइक चलाते हो तो रबड़ जो है कैसा भी रहेगा क्वालिटी तब भी उस पर इम्पैक्ट होगा। तो अब उसके चक्कर में क्या है कि मैं इसको फोल्ड करूंगा इतना ज्यादा, तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो एंड यहाँ से बेंड करके आप यहाँ पे इसको बकल कर रहे हो तो एक चीज का प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपका ये यहाँ पे अभी ऐसे इस तरीके से स्ट्रैप हो गया बैग, ठीक है,
सेम वे में आपका दूसरी साइड में जो है ये भी इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। इजिली आप लूज कर सकते हो, अच्छी चीज है। सामान का हाइट भी बड़ा है तो ये इजिली हो जाएगा। एंड इस तरीके से इंस्टॉल करने के बाद में देन आपका जो लगेज है ये इस तरीके से हो जा रहा है। अब इसका साइज जो है ना अंदर वाली बैग में इधर साइड से ही इतना बड़ा है कि अगर मैं कुछ सामान अगर बैग के अंदर रखना चाहता हूँ तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर साइज बड़ा हो रहा है तो यहाँ से ये बैग बेंड हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को एक चीज थोड़ी सी ड्रॉबैक लगी। बट अदरवाइज द क्वालिटी इज गुड। अगर आप लोगों को ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है बैग तो आप लोग डेफिनेटली बाई कर सकते हो। तो जो फाइनल रिव्यू है वो तो काफी लॉन्ग टर्म में यूज करने के बाद ही है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बट अदरवाइज अगर आप लोगों को बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप बाई कर सकते हो। एंड इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं वहीं पे एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू शेयर माई ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स जिनको क्रैश बार बैग चाहिए। एंड इसी के साथ मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।